नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र की सरकार द्वारा मजदूरों एवं गरीबों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे संबल योजना, मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल द्वारा विवाह सहायता, मृत्यु सहायता योजना संचालित की जा रही है। लेकिन खैरलांजी जनपद पंचायत की CEO श्रुति चौधरी के तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने के कारण उक्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है एवं नापात्र हितग्राहियों के नए श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। श्रीमती चौधरी के तानाशाही कार्य को लेकर एवं संबंधित संचालित योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को वंचित करने को लेकर पूर्व में 5 अप्रैल 2022 को विभिन्न मांगों को लेकर श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी, भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, मुख्य सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल, श्रम मंत्रालय मुख्य सचिव भोपाल, कमिश्नर महोदय जबलपुर, कलेक्टर महोदय बालाघाट, अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी, तहसीलदार खैरलांजी को ज्ञापन दिया गया था। लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा 8 अप्रैल को जनपद CEO को तत्काल हटाने को लेकर एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ देने को लेकर एवं विभिन्न मांगों को लेकर खैरलांजी जनपद पंचायत का घेराव कर धरना दिया गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को रमेश नाकुरे, देवी पटले, दानी डोंगरे, मुकेश बंसौर द्वारा संबोधित किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए दुर्गा लिल्हारे एवं भारत शिवहरे द्वारा कहा गया कि श्रुति चौधरी के तानाशाही रवैये को देखते हुए नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसलिए खैरलांजी जनपद क्षेत्र को अलग देश घोषित कर देना चाहिए। खैरलांजी को देश घोषित करने के बाद खैरलांजी देश का प्रधानमंत्री श्रुति चौधरी को बना देना चाहिए एवं राष्ट्रपति रंजीत ताराम को बना देना चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से कानून एवं संविधान बना सकें। उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर इतनी ईमानदार है तो मैं कहता हूं कि शासन का जो आपको वाहन मिला हुआ है, आपको जो गाड़ी मिली है शासन की, इस बात के लिए मिली है कि आप जब कार्य जो आप यहां रहे खैरलांजी में, एक जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय में रहे और जो गाड़ी मिली है आपको, उस गाड़ी का उपयोग कब करें, जब शासन की योजनाओं के विभिन्न क्षेत्र में दौरा करना पड़े, बालाघाट या वाराणसी में कोई मीटिंग हो, सर मीटिंग हो तब आप आ जाएंगे। आपने तो धंधा बना लिया है, वाराणसी में कमरा लेते हैं, आपको पति ने भी पति वहां पर है, कहां पर, लांजी में 68 किलोमीटर है लांजी, कहां से बालाघाट से लांजी 68 किलोमीटर, यहां से 40 किलोमीटर खैरलांजी से बाला है। दोनों लोग गाड़ियों का उपयोग दुरुपयोग करते हैं, शासन का नियम का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने आप लोगों को मुख्यालय में रहना था। लेकिन क्या ये शिकायत नहीं क्या कि इस पर जांच नहीं होना चाहिए क्या? अरे इस पर भी जांच होना चाहिए कि रहते कहां पर है और इनकी गाड़ी रोज 40-80 किलोमीटर घूमती कैसी है, इसकी भी जांच होना चाहिए। साथियों, हम इस बात की मांग करते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग को परेशान करके रखा हुआ है, अपने एटीएम चाहे चाहे चला रही है। और मैं सबसे पहले कह रहा हूं, जनप्रतिनिधि की उसकी जवाबदारी ज्यादा है कि जब सैकड़ों लोग परेशान है, कोई संबल कार्ड करके इसलिए परेशान है, जिसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलना का उसको मिलता है, उसको भी अपात्र करती है। किस बात के लिए अपात्र करती है? बोले यार उसमें तुम्हारे कागज नहीं था। भाई कागज नहीं था तो आप बैठे किस बात के लिए हो? PCO बैठा किस बात के लिए है? जांच अधिकारी बैठा इस बात के लिए कि अगर कुछ कागजों की कमी हो जाती है तो कागज को आप सबमिट करें और वो पात्र जो है उसको पात्र करें। साथियों, 6 तारीख को एक पत्र निकलता है 5 बजे, पत्र क्या है, FDM जी के यहाँ पर अपील करते हैं, ये अपात्र कर दिया इसने विवाह सहायता के केस को, तो FDM के यहाँ पर अपील करते हैं, FDM साहब ने भेजा कि आप जांच करके इनको दो, 5 बजे कर दिए और बोलते तुम 7 बजे 11 बजे उपस्थित हो जाओ, क्योंकि साथियों उसको लगता है कि क्षेत्र के लोग मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। भाई इसी बात को साबित करता है कि उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। साथियों, डर के मारे कुछ हितग्राही और ठेकेदार 6 तारीख को जो नोटिस का जवाब देने के लिए लेती है, भाई 11 बजे बुलाकर तुम 7 घंटे तक तुम बिठा कर रखते हो मजदूर को, जो मजदूर वह काम करता है खेत में, उसको 200-250 रुपए मजदूरी मिलती है, एक दिन की पूरी मजदूरी काम। खैरलांजी जी को एक देश बनाया जाए और श्रुति चौधरी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सारे देश के तो अलग अलग नियम है, देश में तो एक ही नियम चलता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, खैरलांजी में अलग अलग चलता है। उसके बाद दूसरा नियम आया कि आप
जिस ठेकेदार से सिग्नेचर करा रहे हैं उसका मस्टर्ड रोल लगाओ, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। हमें लगा यार हो सकता है नियम आया होगा, हमने भी हितग्राही को बताया, हितग्राही ने कहा भाऊ ऐसा काम तो हमारे से ही पीसीओ द्वारा जांच की गई। पीसीओ ने जब जांच किया तो ग्राम पंचायत के सचिव को और जीआरएस को साथ में ले गया, पूछा गया पीसीओ द्वारा, पूछा गया जीआरएस पता ये आदमी श्रमिक है कि नहीं, उसने कहा हाँ ये आदमी श्रमिक है। फिर सचिव को पूछा गया, सचिव बता कि ये आदमी श्रमिक है कि नहीं, हाँ ये आदमी श्रमिक है बताया गया। उसके बाद पीसीओ द्वारा उस कार्ड को पात्र कर दिया गया। जनपद आया तो उसको उस जनपद आए हुए फार्म को बीपीओ द्वारा जांच की गई, खंड पंचायत अधिकारी द्वारा पुनः उसकी जांच की गई। जब उस खंड पंचायत अधिकारी द्वारा उस कार्ड को उसके बाद में मैडम द्वारा एक नया अधिकारी फिर बनाया गया, उसके द्वारा जांच कराई जाती है। अब जब तीनों अधिकारी द्वारा जांच हो जाती है और वह कार्ड पात्र हो जाता है तब वो मैडम के पास आता है, सीओ मैडम के पास आता है और सीओ मैडम यहां से बैठे बैठे फोन लगाती है गांव के जीआरएस को, सरपंच को, गांव के सचिव को। हो सकता है कि गांव का सचिव उस आदमी से नहीं काम नहीं किया, यह बात है गलत, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। और हो जाती है उसके बाद वो श्रमिक कार्ड पात्र हो जाता है, पात्र जो श्रमिक कार्ड हो जाता है वो सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेने का हकदार होता है। क्योंकि जब श्रमिक कार्ड पात्र हो जाता है, कार्ड पात्र है इतनी प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बावजूद जब वो आदमी, जब वो आवेदक जनपद में शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भरता है तो मैडम उसको पुनः उसी कार्ड की जांच करती है, उसको अपात्र करती है। ये ना क्या जिसे लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से वंचित हो गया, बाजा लाता है, बाड़ी लाता है, कैसे खेती।